मिलादुन नबी का सत्रहवां अजीम शान जलसा बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड बैरूनी मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब खिबला निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव रहमतुल्लिल आलमीन और आखिरी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न दुनिया भर में मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बांग्लादेश इराक मिस्र लीबिया और ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए और दुरूद व सलाम की महफिलों का अहतमाम किया गया। उधर यमन में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली जबकि गजा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार हैं जिन्होंने गजा में पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया। मिलादुन नबी का सत्रहवां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब बैरूनी मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब खिबला निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात पाबंदी के साथ आने वाले महफिल दुरूद व सलाम 313 में जो हाजिर होते हैं उनमें से खुश नसीब को कन्वीनर जलसा उमरा भेजने की सआदत हासिल करेंगे। इस बाबरकत महफिल में अपने दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं बामुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड बानी जलसा अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब कन्वीनर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब।